नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये मैं जो करने जा रहा हूँ आज अपने कड़ी पत्ते के साथ, आप भी कर सकते हैं। क्या आपका कड़ी पत्ता भी घना नहीं होता, बुशी नहीं होता, थोड़े से पत्ते देकर रह जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अब खास क्या होने वाली है, आमतौर पे हम कड़ी पत्ता लगाते हैं, उसकी केयर टेकिंग तो करते नहीं है, कहते कड़ी पत्ता ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी पौधा जो है वो आपको केयर करनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब, साल में 2 बार 3 बार या 4 बार खाद की ज़रूरत होती है उसको, जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। और पत्ता ज़्यादा लेने के लिए क्या करना है, अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि सिर्फ खाद डालते हैं, ग्रोथ होने देते हैं। और ये खास समय है जब हम इन पौधों में पत्ते ज़्यादा लेने का ट्रिक कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो ट्रिक करते ही जो कमिंग सीजन है, ये स्टार्ट हो रहा है सीजन 1 से 2 महीने के बीच में, यानी कि 30 to 60 days में ये जो पौधा है आपका पूरी तरह से पत्तों से भर जाएगा। क्योंकि इसको हम फलों से नहीं कह सकते, क्योंकि फल आए तो पत्ते गायब हो जाएंगे। तो फल पे हमें एनर्जी नहीं लगानी है, क्योंकि इसका फल हमें नहीं लेना है। इसका पत्ता जो है उसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गुणकारी है। दो एक गुण मैं इसके बता देता हूँ। जैसे डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, यानी कि हमारे खाना हजम नहीं हो रहा है या गैस एसिडिटी बन रही है, तो ये बहुत काम करेगा। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट देने का काम भी बहुत बढ़िया करता है। साथ ही साथ एक अमेजिंग चीज़ मैं बताऊं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप जा करके उसको कराते हैं, कंडीशनिंग कराते हैं, केमिकल कंडीशनिंग, तो ये नेचुरल बालों का कंडीशनर है। अब यूज़ कैसे करना है, ये इसकी टेकिंग केयर बताऊँ, इससे पहले यूज़ बता दूँ। इसको यूज़ करने के लिए इसके कुछ पत्ते ले लें, जो 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी पत्ते, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस करके, बारीक छन्नी से छान करके, उस पानी को बालों में लगा दें दोस्तों, और लगा के 2 से 3 घंटे छोड़ दें, तो बाल भी नहीं झड़ेंगे, स्काल्प में जो आपको डेंड्रफ है वो भी चला जाएगा, और साथ ही साथ बालों की नेचुरल कंडीशनिंग आपको मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और नेचुरल होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है दोस्तों, कि इनमें खाद की ज़रूरत। अभी देखिए, ये पूरी सर्दी ऐसे पड़ा रहा है, सारे पत्ते इसके झड़ चुके हैं, अब जो है नया फुटाव, नया जो है इसके अंदर एनर्जी आ रही है। अब इनके जड़ों में हमें खाद की ज़रूरत है। ये देखिए, कोई अमरूद का जो बीज है वो गिर गया होगा, और ये इतने अमरूद के छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। तो ये इसके जो गुण है वो ना ले लें, मतलब कि इसके न्यूट्रिएंट्स को ना ले लें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन वीड्स को या किसी भी तरह का पौधा है गमले में नहीं होने देना चाहिए। तो ये हमने हटा दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है इनकी जड़ों को खाद देने का काम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब इनमें खाद देने के लिए देखिए, पिछले साल का दिया हुआ है या सर्दियों से पहले का खाद दिया हुआ है, तो इस टाइम खाद की आवश्यकता होती है। कुछ थोड़े बहुत रूट प्रूनिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे देख रहे हैं पौधा 2 से 3 साल इस गमले में लगे हुए को हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से कुछ रूट प्रून कर दिया हमने, ये देखिए ये रूट जो है प्रून हो गए और जगह हमारी खाली हो गई। अब जगह खाली करके हम क्या करेंगे, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, अब इसमें खाद डालने की बात है, तो खाद डालने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर गोबर खाद डाल देते हैं, बर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, कहते हैं हमने खाद डाल दिया। लेकिन गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जैसे इसकी स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक की आवश्यकता होती है, पत्तों में ग्रीनरी के लिए जैसे पोटास है, बोरोन है, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं मिले तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। नाइट्रोजन सिर्फ क्या करता है, ग्रोथ पे देता है ध्यान, बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलती है, हेल्थ नहीं मिलती पौधों को, और इस तरह से प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है ना मिलने की वजह से पौधा हमारा डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है। तो देखिए, डालने को तो कोई कुछ भी डाल सकता है, लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को डालने की बजाय एक कम्बिनेशन मैंने अपना बना लिया है, और उसका जो है कढ़ी पत्ता फूड। कढ़ी पत्ता फूड क्या है, एक्चुअली फल वाले पौधों में हम फल का ध्यान देते हैं, फूल वालों में उसका कलर और टेक्सचर का ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें जस्ट और जस्ट हमारी ग्रीन लीव्स और ज़्यादा मात्रा में लीव्स चाहिए, जो कि मेडिसिनल गुणों से भरी हो। तो ऐसे में हम केमिकल डालेंगे तो इसका जो अरोमा है, फ्रेग्रेंस है, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू यानी कि औषधीय गुण, वो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमने पूरी तरह से नेचुरल पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, तरह तरह का कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक भी नेचुरल लिया है, ये खाद हमारा ये है। और इसको हम डालेंगे कितना, इसमें ज़्यादा नहीं, 10 इंची का गमला है, 3 मुट्ठी हम डालने की बात करते हैं। 1 मुट्ठी हमारी ये हो गई, यहाँ डाल दिया। अब इस मिट्टी को खोद के जो रखा था हमने, इससे इसको ढक देना है। अब दूसरी साइड में हम फिर से 1 मुट्ठी खाद का इस्तेमाल कर देंगे, देखिए, और इसको भी हम इस तरह से ढक देंगे।
अब पूरे गमले में डालना है, चारों साइड में डालना है, क्योंकि जो प्लांट की रूट है वो चारों साइड मौजूद है। एक साइड डालेंगे तो एक साइड के रूट को जो है हमारी न्यूट्रिशन मिल जाएगा और बाकी एरिया में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ रूट प्रून करे हैं, इनको भी आपने निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से रूट प्रून हो गया, तो पुराने रूट की जगह नए रूट जो है ले लेंगे। अब ये खाद हमने डाल दिया 3 मुट्ठी इसमें, और इसके बाद हमें इसको इस तरह से ढक देना है, क्योंकि पूर्णतः से जैविक खाद है। तो कोई भी खाद इस तरह का डालते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या इस तरह की कोई भी खाद है, तो उसको आप क्या करें कि ढकें, डालने पे के बाद ढक दें। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो मौजूद जीवाणु हैं वो जीवाणु आपके सेफ रहेंगे। अब जीवाणु सेफ कैसे रहेंगे, अगर हम ओपन करेंगे तो सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि इन जीवाणुओं को मार देती हैं। तो इसीलिए हम ढक करके खाद देते हैं, उसका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। यकीन ना हो तो कभी एक बारी इस तरह से खाद डाल के अपने पौधों में चेक कर सकते हैं। किसी में तो ऐसे ही डाल दें और किसी के पौधे के अंदर 2 पौधे लें, उसमें जो है खोद करके खाद डाल के मिट्टी से ढक दें। अब इतना करने के बाद हम पानी डालेंगे। अब पानी के लिए देखिए अक्सर क्या गलती होती है कि बहुत ज़्यादा जगह होती है इसमें, हम उतना पानी डालते हैं और ये नीचे से सीप करता है। अब जानिए नीचे से सीप करेगा तो जो हमने न्यूट्रिशन इसको दिया है वो सब ड्रेन आउट हो जाएगा, यानी हमारे पौधों को नहीं मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, पानी उतना ही डालें जितना इस मिट्टी में समा जाए। कहने का मतलब 1 इंची 1.5 इंची जगह ऊपर छोड़िए आप, इसको आप फिल करेंगे और पानी जो है गमले के अंदर ही मर्ज होके रह जाएगा। तो खाद हमारा जो है पूरे पौधे को मिलेगा और पौधा ग्रोथ करेगा। अब जो मेन और एकदम स्पेशल ट्रिक जो है वो क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इस पौधे में पत्ते ही पत्ते हों, ब्रांचेज ही ब्रांचेज हो, तो आपने कुछ नहीं एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है। ये देखिए आप गौर से देखेंगे, ये जो है इसकी फ्लावरिंग का टाइम हो गया। इस सभी के अंदर आप देखेंगे हर ब्रांच के अंदर ये फ्लावर का गुच्छा बन रहा है। अगर हम इस फूल को खिलने देते हैं, फल में कन्वर्ट होने देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो है इतने ही पत्ते रह जाएंगे और ये फूल और फल के ऊपर इसका जो फोकस है वो चला जाएगा। तो ऐसे में ट्रिक क्या करनी है हमने, ये जो फल वाला पोर्शन है इसको देखिए, इसको आपने काट देना है। ये देखिए जहाँ भी आपको ये फल वाला पोर्शन दिखता है इतना छोड़ करके, और आप इस फल वाले पोर्शन को फूल को जो है ये देखिए ये आपने टोटल कट कर देना है। अब इसका फायदा क्या मिलने वाला है दोस्तों, ये जो फूल कट गया आपका इसका, यहाँ से दूसरी ब्रांचेस और निकलेंगी। कहने का मतलब एक ब्रांच है तो यहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकल जाएंगी, और 2-3 ब्रांच में कितने पत्ते हो जाएंगे हमारे, यानी जो एनर्जी इन फल और फूलों के ऊपर लगने वाली थी तो इसके फल और फूल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फल फूल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको काट देंगे और हम पत्ता ही पत्ता ले लेंगे। लेकिन जिनको इसके फल से बीज बनाने की ज़रूरत है वो ये काम ना करें। तो इस ट्रिक को अपना करके आप अपने कढ़ी पत्ते में भरपूर पत्ता यानी जंगल सा घना बना सकते हैं मात्र गमले में ही। अब ये खाद डालने की बात है तो खाद कितने टाइम में डालना है, जितनी आपकी कंजप्शन है उस हिसाब से अभी से लेकर के अक्टूबर तक ये खाद मांगेगा और 3 महीने के गैप पे मांगेगा। यानी कि अभी हमने दिया मार्च में, तो मार्च अप्रैल मई अब जून में फिर दे देंगे, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में एक बार फिर दे देंगे, यानी कि साल में 3 बार इसको खाद दीजिए और आपका कढ़ी पत्ता पूरी तरह से हरा भरा और पत्तों से भरा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और कढ़ी पत्ते का जो मैंने गुण बताया है उसका सभी फायदा उठा सकें।